तो इंडिया में ट्रेवन 30 की सिटी में अटैक कर दिया एक बहुत ही बड़ी शार्क ने। और ये शार्क पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, ये बड़ी कैसे बनी और खतरनाक कैसे बनी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस ना अभी मैं ओमनी वैन को ना रिपेयर करवाने गया था, गाड़ी ना पूरी टूट चुकी थी ये वाली, बट अभी फिलहाल मस्त रिपेयर हो चुके, अभी चलते फटाफट से अपने घर पे। बट एक सेकंड यहाँ से आवाज किस चीज की आ रही है, तो देखते गाइस सीधा साइड चल क्या रहा है। और एक सेकंड वेट, ये क्या है भाई, एक सेकंड ये क्या बना दिया यहाँ पे, मतलब ये है कि यहाँ पे बड़ी सी ये फिश लग रही है। गाइस मुझे लगता है यहाँ पे मछलियाँ वगैरह बिकती है, बाकी एक बार अंदर चल के देखते हैं। भाई ये अंदर से तो कुछ भी नहीं है यार, अंदर तो पूरा खोखला है भाई, ये क्या है भाई। इसके दूसरे साइड चल के देखते हैं, वो वेट यहाँ पे एक्वेरियम बड़ा है और इसके अंदर भाई मछलियाँ हैं। यस गाइस यहाँ पे शायद मछलियाँ ही बिकती है और ये बाहर पड़ा है, और ये देखो भाई अंदर छोटी छोटी क्यूट मछलियाँ पड़ी है। गाइस क्या बोलते हो गाइस, इसको खरीदे क्या, मीन्स यार अपने घर पे रखेंगे मस्त अच्छी लगेगी ये छोटी छोटी मछलियाँ। बट यार इसमें कौन सी खास मछलियाँ नहीं लग रही है यार, बट कुछ खास नहीं लग रही है फिश। बाकी यहाँ पे भी चल के देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ है बना हुआ, तो यहाँ पे चल के देखते क्या है। वो ये क्या है, एक सेकेंड गाइस यार इसके अंदर तो भाई एक शार्क है भाई, ये भाई यहाँ पे शार्क भी बिक रही है भाई, वो भी छोटी क्यूट लग रही है जो कि छोटी छोटी। इसको तो भाई मैं घर लेके चलूंगा, लेट्स गो भाई इसको घर लेके चलते हैं। तो चलो गाइस हम लोगों ने वो छोटी वाली शार्क ले ली है, फटाक से अभी इसको लेके घर चलते हैं अपने। यार मुझे काफी अच्छी लगी थी, मीन्स छोटी शार्क अलग ही मस्त मिल गई अपने को, बाकी फटाक से भाई इसको घर पे रखते हैं अपने पॉट। तो चलो गाइस मैंने इसको इस जगह पे रख दिया है जो कि काफी सही लग रहा है। तो या गाइस अभी फिलहाल चलते हैं इसके लिए कुछ खाना लेने, मीन्स मुझे लग रहा है इसको भूख लगी है तो इसके लिए कुछ खाना लेने चलते हैं। बट मुझे पता नहीं भाई फिश का खाना कहाँ मिलता है, तो आरजेस टूल में लिखते हैं। तो आरजेस टूल में मैंने फिश फूड लिख दिया है, जल्दी से टिक करते देखते हैं। ओ वेट, ये तो भाई एयरपोर्ट पे जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर ही पड़ा है, तो यार चलो यार इसको लेके आते फटाक से। चलो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं गाइस, जो ये सामने की तरफ जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर ही पड़ी है। बट तो यार जल्दी से इस बिल्डिंग पे चढ़ते हैं और वो फिश फूड लेके आते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से सीढ़ियों को चढ़ते हैं और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। बट गाइस ना एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर पड़ा है भाई फिश फूड, तो अभी फिलहाल इसके ऊपर कैसे चढ़िया है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। बट यार कुछ ढूंढते हैं यहाँ पे रखने। ओ वेट यार एक आइडिया आया, मैं इसके ऊपर चढ़ के इसके ऊपर शायद चढ़ सकता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले चढ़ता हूँ और फिर अभी फिलहाल इसके ऊपर चढ़ता हूँ, लेट्स गो चढ़ गए। चलो यार ये रहा फिश फूड, जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं और जल्दी से चलते फिश को खिलाने, आई मीन शार्क को खिलाने। बट गाइस यहाँ से नीचे कैसे उतरे यार, मैं वो यहाँ पे चढ़ तो गया बट यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है अभी, यहाँ से देखते थोड़ा वो जंप देते। ओ तेरी भैंस किले गिर गया। चलो यार जल्दी से अभी चलते अपनी शार्क को खिलाने, अभी जल्दी से फिश को फिश फूड खिलाते हैं। तो चलो यार हम लोगों ने इसको खाना वाना खिला दिया है। ओके यार रात भी हो चुकी है, अभी काम करते जल्दी से भाई सो जाते हैं, आज पूरा दिन भाई काम गया तो भाई थक चुके हैं, तो जल्दी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 है आज अपना फिश के साथ, अभी देखते हैं फिश कैसी है। ओ वेट, ये क्या, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई भाई, वो भी एक दिन के अंदर। भाई ये क्या है, इसके लिए अभी ये भी छोटा पड़ रहा है। अबे यार ये क्या हो गया, मतलब एक दिन में कैसे बड़ी होगी इतनी। यार इसके लिए तो भाई ये जगह भी छोटी पड़ गई, मुझे इसके लिए शायद बड़ा पोट लाना पड़ेगा। बट छोड़ो यार, तो यार एक काम करते हैं इसके लिए डायरेक्ट एक्वेरियम ही लाते हैं, तो फटाक से अभी सर्च करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक्वेरियम सर्च कर दिया, देखते हैं किधर है। ओके तो ये फोटो देख के तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वेट 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 वेट, हाँ ये फोटो तो शायद कंस्ट्रक्शन एरिया का है, तो वहां पे चल के देखते हैं शायद भाई कंस्ट्रक्शन एरिया का है। तो जल्दी से अभी फिलहाल चलते कंस्ट्रक्शन एरिया में, मेरे को लग रहा है शायद भाई वहां का ही फोटो है या फिर अलग जगह का भी हो सकता है, बट एक बार चेक करके आते कंस्ट्रक्शन साइड में। ओके तो यार चलो हम लोग पहुंच चुके हैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे, अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पे जाना है। तो गाइस ना यहाँ पे पड़ा हुआ है वो एक्वेरियम, तो उतरते हैं एक बार। आई से एक दिक्कत है कि मतलब एक्वेरियम में इसके ऊपर पड़ा है, अब यहाँ पे जाने के लिए मुझे भाई कोई रास्ता तो यहाँ पे दिख नहीं रहा और ये काफी ऊंचा है, और वहां पे तो रास्ता था चलो, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट एक सेकेंड यहाँ पे दीवार क्या है, ओ वेट यार यहाँ पे तीन दीवार पड़ी है। ओ आइडिया आया है, एक सेकेंड हम लोग शायद दीवार के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या, एक बार ट्राई करते हैं इसको। तो एक काम करते भाई दीवार को नहीं, एक काम करते दीवार को यहाँ पे लगाते हैं पूरा मिट्टी की साइड, फिर इसके ऊपर चढ़ेंगे एंड उसके ऊपर फिर से दीवार लगाएंगे। यार गाइस दीवार हम लोग ऊंची नहीं कर सकते, एक बार इसके ऊपर चढ़ के सेटअप करते हैं।
यार ये आइडिया तो फेल गया, अपना बंदा भाई इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो भाई ऐसे तो हम लोग एक्वेरियम नहीं ले सकते इस दीवार की हेल्प से, तो एक काम करते हैं, अभी मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। और यार आइडिया आया, अभी एक ही चीज अपनी हेल्प कर सकती है, वो है अपना जेट पैक। जेट पैक मेरे को नहीं पता कहाँ है, तो इसलिए आरजे स्टूल में देखना पड़ेगा। ओके तो ये एक बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है जो कि मेरे को मालूम है ये वाली बिल्डिंग, तो चलते हैं फटाफट से। बाय द वे गाइस, ये जो ओमनी वैन है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है भाई, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं इस बिल्डिंग पे। तो यार यहाँ से रास्ता है, तो अभी ओमनी वैन को ही मेरे को यहाँ से कूदना पड़ेगा। अभी देखते हैं ओमनी वैन यहाँ से कूद पाती है फिर नहीं, ज्यादा ही कूद गई यार ओमनी वैन तो भाई। बट यार इसके लिए मुझे लगता है बाइक की जरूरत है। सॉरी ओमनी वैन, अभी देखो घर पे छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमको इस मामले में बाइक की जरूरत है। तो चलो यार हम लोग अपनी बाइक को लेके आ चुके हैं इस रैंप के पास के लिए, तो जल्दी से अभी फिलहाल यहाँ से चढ़ाते बाइक। तो भाई चुटकियों में चढ़ जाएगी, ये देखो मीन्स बाइक से ना जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए मैं बाइक लेके आया। फटाफट से हम लोग पहुंच चुके हैं, बट अभी भी हमको यहाँ से जंप देना है उस बिल्डिंग पे। तो ये हमारी यहाँ से जंप, लेट्स गो, ये भी मस्त तरीके से लग चुकी है। बट अभी भी हमको उस बिल्डिंग पे जंप मारना है, और वही फाइनल बिल्डिंग है, वहां पे पड़ा जेट पैक। तो जल्दी से वहां से कलेक्ट करते हैं ये हमारी जंप। तो चलो यार पहुंच चुके हैं, बट बाइक पता नहीं अलग ही अंदर घुस गई। बाकी चलो यार वहां पे पड़ा है अपना जेट पैक, तो एक काम करते हैं बाइक को यहाँ पे छोड़ते हैं और जेट पैक से ही जाना पड़ेगा अभी मेरे को, क्योंकि बाइक वाली रखो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल जेट पैक लेके जाते हैं, फिर बाइक वहां से बाद में लेके जाएंगे। बाकी यहाँ फटाफट अभी जेट पैक लेके चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइड। और राइट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से इसके ऊपर ही बड़ा एक्वेरियम। चलो यार फाइनली हमको मिल चुका है एक्वेरियम, जल्दी से भाई इसको कलेक्ट करते, काफी बड़ा है। चलो यार हम लोगों ने अपनी बैग में रख दिया है उस एक्वेरियम को, तो अभी जल्दी से इसको लेके चलते अपने घर पे। चलो गाइस अभी फिलहाल नीचे उतरते हैं, अबे तेरी भैंस की स्विमिंग पूल में लैंड कर दिया, अभी चलते हैं घर पे इसको रखने। और राइट, तो अभी मेरे को सही लग रहा है भाई, ना फिश वगैरह घूम सकती है आराम से, वैसे उस पोर्ट में ना फंस गई थी, बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये बड़ी कैसे हुई इतनी जल्दी। बट खैर वो सब छोड़ो अभी। चलो यार अभी फिलहाल रेस्ट करते हैं, अभी सो जाते हैं अपना। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, यार अभी फिलहाल फिश को देखते हैं। ओ भाई साहब ये इतनी बड़ी कैसे हो गई फिश, मीन्स यार ये तो भाई दिन पर दिन इतनी बड़ी होती जा रही है कि क्या ही बोले गाइस। इसके लिए अभी फिलहाल एक्वेरियम भी छोटा भर रहा है यार। यार शार्क को लाके गलती कर दी यार, ये कौन सी शार्क दे दी भाई उसने। यार अभी इसके लिए एक्वेरियम भी टाइट हो रहा है, अभी इसको कहाँ रखे। और वेट एक सेकेंड, स्विमिंग पूल बड़ा है, तो अभी एक काम करते हैं स्विमिंग पूल में ही रखते हैं इसको। स्विमिंग पूल तो बहुत ही बड़ा है अपना, तो इसमें आराम से भाई घूम पाएगी। तो एक काम करते हैं स्विमिंग पूल में मेरे को उसको रखने के लिए, भाई वो भारी है एक तो। 20 minutes later ओके, तो कुछ इसी टाइप से मेरे को चीज चाहिए थी। अभी फिलहाल इसको धक्का देंगे, अभी हम लोग आराम से इसको हम लोग अंडर डाल देंगे, ये बात। अभी फिलहाल ये यहाँ पे घूमती रहेगी आराम से भाई शार्क। 2 hours later चलो यार गाइस हम लोगों ने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अभी फिलहाल ये आराम से घूम पाएगी शार्क अपने बड़े से स्विमिंग पूल में। तो चलो यार, बट यार एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये बड़ी कैसे हुई यार, इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। बट अभी छोड़ो यार ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो अभी सो जाते हैं भाई डायरेक्ट। ओके एक सेकेंड, ये पुलिस क्यों आई है, एक सेकेंड सुबह हो गई, बट ये पुलिस क्यों आई है, बात करते हैं एक बार। ओ वेट, ये क्या है भाई, एक सेकेंड इतनी बड़ी शार्क हो गई भाई, ये कैसे। और पुलिस वाले हमको यही बताने आए कि ये शार्क बड़ी है, तुम्हारे घर ये अलाउड नहीं है, सिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो पुलिस बोल रहे कि इसको बीच में जो समुद्र है वहां पे छोड़ के आओ। भाई साहब ये बड़ी कैसे हो गई भाई, ये क्या भाई इतनी जल्दी बड़ी हो गई। यार ये शार्क बहुत ज्यादा अजीब है यार, मुझे समझ नहीं आ रही इतनी बड़ी कैसे हो गई जल्दी। बट अभी मेरे को इसको छोड़ के आना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, अभी मेरे को ट्रक व ट्रेलर चाहिए, तो उसका इंतजाम करते हैं। तो यार गाइस एक काम करते हैं, मेरे पास भी एक ट्रक व ट्रेलर है, तो भाई मैं उसको लेके आता हूँ, मैंने उसको इस रैंप के अंदर ही छुपा के रखा है, तो जल्दी से इसको लेते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस जल्दी से इस ट्रेलर को लेते हैं, तो जल्दी से अभी फिलहाल इस ट्रक व ट्रेलर को लेके चलते हैं अपने घर पे। एंड फिश को फिलहाल मेरे को पीछे रखना पड़ेगा यार, मैं सॉरी मैं बार बार भाई फिश बोल रहा हूँ, शार्क भाई शार्क इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है ना। अभी फिलहाल चलो खैर छोड़ो, अभी ट्रक पे ट्रेलर को मुड़ाते हैं ऐसे, एंड फिलहाल सीधा खड़े करते हैं जैसे हम लोग शार्क को ले पाए, पुलिस वाले भी शायद हेल्प करेंगे इस चीज में। ओके गाइस फाइनली हमारी कैरी हो चुकी है ये शार्क, जल्दी से भाई इसको लेके चलते बीच पे, और भाई डायरेक्ट ट्रक को ही पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि भाई इसको उतार नहीं सकते भाई, मुश्किल से चढ़ाया तो भाई उतरेगी तो नहीं। तो चलो यार जल्दी से मैं उतर चुका हूँ अभी पानी के अंदर, मैंने इसको छोड़ दिया है, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई शार्क उठ गई ना, तो भाई वो हमको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो काफी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि वो खतरनाक हो चुकी है और साथ ही साथ बड़ी हो चुकी है। तो अभी फिलहाल उसको जल्दी से भाई यहाँ से निकलते हैं।
ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी फिलहाल भाई हमारा शार्क अभी अपने घर पे तो यार नहीं है, क्योंकि यार शार्क लाए थे तो बढ़िया लग रहा था, बट यार अभी फिलहाल शार्क को अभी अपने को पानी में फेंकना पड़ा समुद्र के यार, क्योंकि वो बड़ी होती जा रही थी और काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अभी फिलहाल उसको देखने चले क्या गाइस? मन तो कर रहा है, चलो यार देखने चलते हैं। यार गाइस पता भी नहीं वो समुद्र में मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि वो दूर भी चली जा सकती है, समुद्र बहुत बड़ा है ना। तो फिलहाल अभी देखते हैं, अगर सामने अगर मिल गई तो ठीक है, वरना फिलहाल तो अभी छोड़ो भाई। वेट भाई ये क्या सीन चालू है यहाँ पे भाई? ये सब क्या है? मैं अपनी शार्क देखने आया था और ये सब क्या है भाई? बट अपनी शार्क कहाँ है?